नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में रीट परीक्षा आज पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। 4019 केंद्रों पर 16,51,813 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। परीक्षा से पहले सीएम गहलोत ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही में बड़ी अपडेट आपको यह दे दे, 26 सितंबर को फेक न्यूज दुर्घटना की अफवाह और पेपर लीक सहित अन्य अफवाहों से कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसको देखते हुए जयपुर संभाग समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं कई घंटों तक बंद रहेगी। राजधानी जयपुर में छात्रों का हुजूम उमड़ेगा और ऐसे में परिवहन सेवा, भोजन पानी सहित अन्य सुविधाओं को जांचने के लिए अधिकारी फील्ड पर निकलेंगे। आपको बता दें 9 जिले संवेदनशील माने गए हैं, जहां 100% केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। रीट के दौरान धांधली और नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रदेश के बाड़मेर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, नागौर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू और जालौर के 100% परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि शेष बचे जिलों में अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, एक व्यवसायी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को पुलिस नई दिल्ली की 2 जेलों से निकालकर जयपुर ले आई है। इससे पहले पुलिस ने इन अपराधियों का अलग अलग पेशी वारंट निकलवाकर हिरासत में लिया था। एक और बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2 बार मिलने के बाद राज्य दिल्ली में लॉबिंग व्हाट्सएप कॉलिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार पायलट ने राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है, जिसकी वजह से गहलोत खेमे के कई नेताओं की भौहें चढ़ रही है। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की, जिससे अटकलें तेज हो गई है कि पायलट अपने खेमे को मजबूत बनाने में व्यस्त है। इस लिहाज से राज्य में बड़े बदलाव की अटकलें अब तेज होती जा रही है। रीट परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान में रीट अभ्यर्थियों के साथ साथ रीट परीक्षा अब सरकार और प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रदेश में शनिवार को राजस्थान पुलिस की टीम ने जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर, अलवर और सीकर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 15 सातिरों को दबोच लिया है। नागौर पुलिस ने 25 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर रीट परीक्षा पास करवाने की गारंटी लेने वाले सूफिया कॉलेज के संचालक जावेद अख्तर और उसके भाई खालिद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, आज पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर काफी धीमा रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान के अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ समेत 21 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि झालावाड़, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के मात्र कुछ इलाकों में ही आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा आज शुष्क रहेगा। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।